टाइटल थंबनेल और ये देख के आपको डेफिनेटली थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि यार भैया क्या बोल रहे हैं। सबसे आसान एग्जाम कैसे हो सकता है सीजीएल का? देखो मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे डिपार्टमेंट में जाने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ। कई लोग नया वीडियो देख रहे होंगे, मेरा पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस रह चुका हूँ, अभी करंटली वर्किंग एज जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर इन दिल्ली जोन। तो मुझे कहीं ना कहीं एसएससी की और इस डिपार्टमेंट की नॉलेज है, तो मैं इसके बेसिस पे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि वाई एसएससी इज द इजिएस्ट एग्जाम टू गेट 4600 एंड 4800 ग्रेड पे। बड़ी बात है, 4600 ग्रेड पे आज के सिनारियों में लेना छोटी बात नहीं है। उसके बाद यूपीएससी आता है, नो डाउट दैट इज वेरी वेरी हार्ड, लेकिन 4600 ग्रेड पे की जॉब, 4800 ग्रेड पे जो गजेटेड पोस्ट होती है उसको लेने के लिए जो सबसे इजी एग्जाम है एज ऑफ नाउ, मैं सीजीएल को मान के चलता हूँ। रीजन बिंग सिर्फ दो सब्जेक्ट के बेसिस पे अराउंड 520, 530, 540 के आसपास आपकी नॉर्मल कट ऑफ जाती है फाइनल सेलेक्शन के लिए। उसमें से 500 नंबर आपके सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के, कैन यू बिलीव इट, सिर्फ 500 नंबर। उसके बाद आप कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है, दैट विल बी अराउंड 100 मार्क्स। तो उसमें से आप 50 नंबर लेते हो, स्टिल यू कैन 50 नंबर का 600, मतलब 500 प्लस 100, 600 नंबर का पेपर तो सिर्फ आप हिंदी, वो इंग्लिश और मैथ्स में लिख सकते हो। सिर्फ मैथ, दो सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन सा एग्जाम है जिसमें सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ना है आप, मैथ्स और इंग्लिश, दैट टू विथ लिमिटेड सिलेबस, और फिर आप एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जाम में जो 4600 ग्रेड पे की जॉब आपको दे। इस लेवल के बाद जस्ट आपके बाद जब आपके प्रमोशन होते हैं, आप यूपीएससी वाली कैडर में पहुंचते हो, एक दो प्रमोशन के बाद एक ग्रेड आपको मिलती है, तो उसमें आप देखो ना कितना ज्यादा सिलेबस है आपको पढ़ने के लिए, मतलब बुक्स ही खत्म नहीं होगी आपकी। और यहाँ देखो, विद लिमिटेड बुक्स यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, बट स्टिल दिस एग्जाम इज द टफेस्ट एग्जाम टू क्रैक, मतलब इसको मिनी यूपीएससी बोलते हैं। एंड वाई दिस एग्जाम इज वेरी वेरी टफ टू क्रैक, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तीन चार रीजन में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो आई ओपनिंग है, ऐसा मतलब हल्के में नहीं ले सकते आपकी। सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ के मैं इस एग्जाम को क्रैक कर दूंगा, और एक डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद मैं आराम से 600 में से एटलीस्ट 550 नंबर तो ले आऊंगा। ये एग्जाम इतना ईजी येट वेरी डिफिकल्ट, वाई दैट इज हैपनिंग, और इतना इजी नहीं है एग्जाम सीजीएल का क्रैक करना, उसके पीछे रीजंस क्या है वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहला रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन, जो मेजर रीजन मैं मानता हूँ कि एग्जाम इतना टफ क्यों हो गया क्रैक करना, वो है इसमें रीअपियर हो रहे ना उन बच्चों की बहुत ज्यादा संख्या है। वो रीअपियर, उनमें मेजोरिटी ऑफ द चंक वो बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट्स है, वर्किंग है, मेरे कलीग हो सकते हैं, मैं इनको मतलब कोई भी नाम दे सकते हो, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल के समझा रहा हूँ, जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। एक चीज़ होती है आईसीटी, इंटर कमिश्नर ट्रांसफर होते थे पहले, जो एसएससी के एग्जाम्स के सिलेक्शन के बाद हो जाते थे आपके, जैसे 2 साल आपने साउथ इंडिया में काम किया, उसके बाद आईसीटी लेके आप नॉर्थ इंडिया में आ जाते थे, ये जो भी आपका होम टाउन है वहाँ पे चले जाते थे। आप साउथ से हो, नॉर्थ में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप साउथ जा सकते थे, वो होता था आईसीटी। उससे क्या होता था, दोबारा एसएससी का एग्जाम लोग नहीं देते थे और 2 साल वेट करके आपका स्विच कर लेते, लेकिन अभी जो आईसीटी है उसमें आप इधर उधर नहीं आ सकते। जैसे मुझे दिल्ली जोन मिल गया, जब तक आईसीटी आपका खुलता नहीं है मैं दिल्ली या नियर बाय एरिया में रहूँगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा। तो वही होता है, जैसे मान लो किसी को साउथ मिल गया तो वो रीअपियर होता है एसएससी के एग्जाम में, और वो फिर से एग्जाम देता है और वो दूसरे जोन के लिए अप्लाई करता है नेक्स्ट टाइम उसका जब सिलेक्शन होता है। इसकी वजह से एसएससी का कट ऑफ बढ़ता है, और दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, बिकॉज जो एक बार सिलेक्शन ले चुका है उसकी तैयारी का आपको पता है कि उसका जो लेवल है वो बाकी स्टूडेंट से कहीं ना कहीं प्लस में होगा, और वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को ऊपर ले जाते हैं, और वो जो 10,000 वैकेंसी आ रही है उनमें एंटर करना मुश्किल हो जाता है नए स्टूडेंट के लिए। ये सबसे बड़ा रीजन मैं मान के चलता हूँ, जो सिंपल एग्जाम है फिर भी टफ है, फिर भी क्रैक करना टफ है, क्यों होता है, इसके पीछे रीजन वन। इसका 2-3 रीजन और मैं बताता हूँ आपको, इससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, नियॉन क्लासेस की आपके पास ये वाली बुक मैंने पहले भी सजेस्ट करी है इस वीडियो में, अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन में आपको दिक्कत आ रही है तो यह बुक ले सकते हैं। वर्ड पावर रूट वर्ड्स के लिए है, मनीषा बंसल मैम की है ये बुक, ये वोकैबुलरी के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। कई बच्चों का एक कन्फ्यूजन था कि वर्ड पावर मेडी जी मैंने ले ली तो ये वाली बुक की जरूरत है क्या, ये दोनों बुक सिमिलर है, अगर आपने वो नहीं खरीदी तो ये बुक आप डेफिनेट ले। ये बुक एसएससी ओरिएंटेड है, वर्ड पावर मेडी जी नॉर्मल आपके प्रिपरेशन के लिए,
ये एसएससी जो आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम है उससे ओरिएंटेड है। एसएससी बैंक जो भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें अगर इंग्लिश पूछी जा रही है तो ये उससे ओरिएंटेड है और आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी कर रही है। उसके बाद अगर आपका कंप्रेंशन में वीक है तो आप ये दो बुक आती है, एक जंबल पीक्यूआरएस के लिए आती है, एक कोलोसस के लिए आती है, आप ये भी ले सकते हैं। इससे आपका जो कंप्रेंशन पार्ट है, जो बहुत ही बड़ा चंक होता है एसएससी सीजीएल की मैं बात करूँ तो नॉर्मल नहीं है, मतलब 200 नंबर आपके इंग्लिश का पेपर आएगा तो उसमें बहुत अच्छा खासा 50% के लगभग वेटेज आपका कंप्रेंशन की वजह से ठीक होने वाला है। तो उसके लिए ये दोनों बुक मैं रिकमेंड करूँगा, ये आप परचेज कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब सेकंड रीजन व्हाई एसएससी सीजीएल इज बिकमिंग टफर एंड टफर डे बाय डे, उसका है अवेयरनेस। देखो एक टाइम था जब मुखर्जी नगर या दिल्ली में आके या जयपुर के किसी प्राइम लोकेशन पे आके जो तैयारी करते थे उनको एडवांटेज मिलता था, एडवांटेज ऑफ हैविंग नॉलेज अबाउट द एग्जाम, हैविंग गुड टीचर्स, हैविंग गुड मटेरियल, जो भी नोट्स दे रहे हैं क्लास में वो था। लेकिन आज जो रिमोटेस्ट ऑफ द लोकेशन है, जो गाँव में बैठा है वो और जो मुखर्जी नगर में रह के तैयारी कर रहा है, मैं ऑलमोस्ट इक्वल मानता हूँ उनको इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज और एक्सेस टू द मटेरियल और गुड टीचर्स। क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, हर किसी को हर चीज़ के बारे में पता है। पहले एसएससी के बारे में इतना नहीं पता होता था लोगों को जितना आज पता है। तो ये चीज़ सेकेंड रीजन है जो एसएससी का कट ऑफ बढ़ा गया। मतलब इससे क्या होता है ना, लोगों का डर खुल गया। जो डर होता था ना यार एसएससी सीजीएल, अच्छा इसमें इंस्पेक्टर बनते हैं, ये मेरे लाइक नहीं। बट जब टॉपर मेरे जैसे लोगों के बारे में से आप कोई बात सुनोगे तो आपका डर डेफिनेटली भाग जाएगा। उसके बाद ये नहीं लगेगा आपको कि ये टफ एग्जाम है। जैसे अभी यूपीएससी के बारे में पहले इतना हवा होता था कि कोई फॉर्म नहीं भरता था, मतलब नॉर्मल जो होते हैं हमारे जैसे लोग वो फॉर्म नहीं भरते थे इसके। आज देखो कितने ज्यादा लोग एसएससी यूपीएससी का एग्जाम देने लगे। सेम सिचुएशन इज हैपनिंग विद एसएससी। अब लोगों को ए टू जेड चीजें पता है इसके बारे में, डर खुल चुका है लोगों का, इसलिए नंबर ऑफ गुड पीपल वो अदरवाइज अप्लाई नहीं करने वाले थे वो अब स्ट्रीम में आ गए, इसकी वजह से कॉम्पिटिशन इसका बढ़ गया। तीसरी चीज जो है इसमें मटेरियल एक्सेसिबिलिटी। अब लोगों के पास, हर किसी के पास सेम कंटेंट है, मार्केट में जो बढ़िया से बढ़िया बुक्स है वो सबके पास इजीली अवेलेबल है। पहले दिल्ली में कौन सी बुक आ गई जल्दी से पता नहीं चलता था कहीं पर कि यार ऐसा कोई बुक आया है जिसकी वजह से, मतलब जो अच्छा कॉन्सेप्ट रखती है और हम यूज कर सकते हैं उसको। अब क्या बुक लॉन्च हो रही है उससे पहले इतना सारा तो प्रमोशन हो जाता है बुक का, इसकी वजह से आपको इजीली पता चल जाती है कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं है। लोग रिव्यू डाल देते हैं बुक के, सजेशन दे देते हैं, पर जो जिसने पढ़ा है स्ट्रेटेजी में बता देगा अच्छी अच्छी बुक्स। इससे क्या होगा, मटेरियल यूनिफॉर्मिटी आ गई। अब सब होने के बाद एक चौथी चीज जिसके जिसी पे आके एग्जाम पूरा टिक चुका है, क्योंकि आप नॉलेज के बारे में, आपको एग्जाम की इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, आपको अच्छे टीचर्स है उसके बारे में और आपकी अच्छी बुक्स है इसके बारे में, लगभग सबके पास इक्वल है, चाहे आप गांव में हो चाहे आप मुखर्जी नगर दिल्ली में बैठे। अब ओनली थिंग दैट इज मैटरिंग आप कितना कंसिस्टेंट है इस एग्जाम को निकालने के लिए, आप कितने दिन टिके हुए हो। कई एक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, नो डाउट निकाल ले जाते हैं इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं और आपके सामने एग्जाम पर। लेकिन कौन इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहा है, इतना कुछ होने के बाद जो आदमी समझ जाता है इस चीज को कि यार एसएससी क्यों टफ हो रहा है, क्या सच में पढ़ना टफ हो रहा है, क्या सच में पैटर्न टफ हो रहा है। नहीं, पैटर्न लगभग 19-20 वही है, चीजें जो चेंज हो रही है मैंने सिचुएशन आपको बता दी। इनके बावजूद आपको क्या करना है, आपको पता है रीअपीयर हो रहे लोग ज्यादा से ज्यादा, मतलब 50% सीट्स तो वो ले जाएंगे, आई कांट से द एग्जैक्ट नंबर बट लगभग 30-50 मान लो वो ले जाते हैं। उसके बाद सबके पास इक्वल नॉलेज होगी, इक्वल एक्सेस टू गुड टीचर्स और बुक्स होगी, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद जो कंसिस्टेंट है इन चीज़ों को लेके अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो बना रहा है, टिका हुआ है, हार्डवर्क कर रहा है, वो इस एग्जाम को निकाल के ले जा रहे हैं। फर्स्ट अटैम्प हो, सेकेंड अटैम्प हो, थर्ड अटैम्प हो, 101% निकाल ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी है कि ये चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और कोई लोग यार एसएससी तो बहुत टफ है, सीजीएल तो बहुत ज़्यादा टफ है, आप मतलब एग्जाम में बैठते हो और वो टफ वाला ज्ञान आपके दिमाग में चलता रहता है जिससे आपका एग्जाम कहीं ना कहीं निकल नहीं पाता। ये चीज़ें ध्यान रखो, पढ़ाई लगातार रखो, कंसिस्टेंट रहो, टिके रहो इस एग्जाम का, यही मूल मंत्र है इसको सक्सेस पाने का। इतना इस वीडियो में, आशा करूँगा आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। एसएससी इतना सीजीएल इतना सिंपल एग्जाम है, येट वाई दिस इज वेरी वेरी टफ टू क्रैक। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।